मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को भी अब मुफ्त में लगाने का बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान में इस निर्णय के बाद 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। लेकिन आपको बता दूं, यह बूस्टर डोज 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक ही मुफ्त लगाई जाएगी। साथ ही मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं, वर्तमान में बूस्टर डोज के लिए 18 साल से 59 साल तक के लोगों को पैसे देने पड़ रहे थे। सरकार ने केवल फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर और 60 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप के लोगों को ही बूस्टर डोज सरकार ने फ्री कर रखी थी। लेकिन अब आपको बता दूं, अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है, बूस्टर डोज भी 15 जुलाई से अगले 75 दिनों के लिए फ्री में लगाई जाएगी। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पीएम की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने तारंगाहिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। यह रेल लाइन सिरोही जिले से होकर गुजरेगी। इसके साथ ही यह रेल लाइन गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा और महेसाणा जिलों से भी होकर गुजरेगी, जिससे इन क्षेत्रों में उद्योग धंधे विकसित होने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। प्रदेश की एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने पानी के बकाया बिल एक बार में जमा करवाने पर ब्याज और पेनल्टी पर 100% छूट 30 दिसंबर 2022 तक देने का बड़ा फैसला लिया है। पहले यह छूट 30 जून तक ही थी। इस छूट के लिए सभी पानी कनेक्शन वाले कस्टमर पात्र होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने साल 2022-23 के बजट में 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया पानी के बिलों को एक मुफ्त जमा करवाने पर ब्याज और पेनल्टी पर 100% छूट देने का ऐलान किया था। इस छूट का टाइम पीरियड 31 मार्च 2022 तक ही था, फिर छूट की अवधि 30 जून 2022 तक बढ़ा दी गई। अब प्रदेश के लोगों को इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए पीरियड और बढ़ा दिया है। आसान भाषा में आपको समझाऊं, अगर आपके पानी के बिल बकाया है तो आप एक मुफ्त जमा करवा कर ब्याज और पेनल्टी वगैरह से छुटकारा पा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय सीमा की रक्षा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए काफी अच्छी खबर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 286 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, यहाँ पर जाकर आप 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन टाइपिंग स्पीड के आधार पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर बीकानेर से। राजस्थान के बीकानेर में पत्नी ने पति को इतनी बेरहमी से पीटा कि सिर में 17 टांके आए हैं। क्रिकेट बैट से पत्नी काफी देर तक पति के सिर और कंधे पर वार करती रही। घटना बीकानेर शहर के नजदीक स्थित रिडमलसर गांव की है। यहां मंगलवार रात 11 बजे पति और पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी उनके घर पहुंचे तो वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए। महिला का आरोप है पति शराब पीता है और उसे रोज मारपीट करता है। इसी गुस्से में उसने पति की पिटाई कर दी। इस मामले में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। अगली बड़ी खबर, सावन की शुरुआत आज यानी कि गुरुवार से शुरू हो गई है। यह पवित्र महीना 14 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन में अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार सावन के शुरुआती 10 से 15 दिन मानसून के पूरी सक्रियता के साथ आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दूं तो राजस्थान के कई जिलों में बुधवार को जमकर बारिश हुई है। झालावाड़ जिले के डग में सुबह 1 घंटे में 5.5 इंच बारिश हुई है। भीलवाड़ा में 69.2 मिलीमीटर, अलवर में 49 मिलीमीटर और बूंदी में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी सिरोही और उदयपुर समेत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान के बाकी 15 जिलों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की आज संभावना है। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।